I'm really sorry. डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? नहीं, शाहज़ेब बेटा ये कैसा जुल्म हो गया हमारे साथ, कैसा जुल्म हो गया हमारे साथ। मेरा भाई चला गया दादाजी, मेरा रियान चला गया दादाजी। सब्र करो बेटा, ये देखो मैंने किस तरह खुद को संभाला हुआ है। पहले एक बेटे को कंधा दिया, अब पोते को देना पड़ रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे कंधों में, ये सब अल्लाह की रजा है, क्या कर सकते हैं। दादाजी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक बाजू ही काट दिया गया। मैं अपाहिज हो गया हूं दादाजी। सब्र करो बेटा, तुम इस तरह टूट जाओगे तो मैं खुद को कैसे समेटूंगा। ये अल्लाह की रजा है बेटा। सब्र करो, हौसला रखो, हौसला रखो। चले गए, मेरे अम्मी अब्बू चले गए, अब रियान भाई भी हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं क्या हो रहा है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था रियान हमें छोड़ के इस तरह चला जाएगा। मुझे अब रियान भाई को रोक ले, आप उन्हें नहीं जाने दे, हमारा तो कोई भी नहीं है और रियान छोड़ कर मत जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा साथ निभाओगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। रियान प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बस कहा तुम रियान भाई को रोक लो, तुम्हारी तो हर बात मानते हैं ना, प्लीज उन्हें मत जाने दो। मैं क्या करूं, कब से रियान से कह रही हूँ कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं समझा कर थक गई हूँ कि मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ कर मत जाओ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तुम समझाओ ना अपने भाई को, मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। कमरजान, मुस्कान को अंदर ले जाओ, मर्द आ रहे हैं मैयत उठाने। नहीं पुप्पा जी, नहीं, रियान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपने देखा,
श्रेयान मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं हमेशा रियान के पास रहूंगी, रियान को छोड़ के नहीं जाऊंगी। सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह की चीज थी उसने ले ली, जिंदगी और मौत पर तो सिर्फ हमारे रब का अख्तियार है बेटा। शौहर की वफात के बाद औरत पर इद्दत लाजिम हो जाती है, मर्द आ रहे हैं मैयत उठाने, अंदर चले जाओ, बस ले जाएं। चलो यार, समझाए ना, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे हाथ के बगैर नहीं रह सकती, अंदर जाओ। सब्र करो बेटा, सब्र करो, इसे समझाएं, समझाएं इसे, इसको लेके जाओ। आइए, कलमे शहादत, कैसे हो गया ये बात? तुम तो रियान भाई के साथ थे ना, कौन थे वो लोग, क्यों मारा मेरे भाई को उन्होंने? रियान भाई ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। आप ठीक कह रही है लाला, रियान भाई जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते। जिन्हें अपने से ज्यादा अपनों की परवाह होती है। मेरे इतने प्यारे भाई को इन लोगों ने बेदर्दी से मार दिया, क्यों ये बात, क्यों? इसी बात का तो दुख है, उन दरिंदों ने मेरे सामने रियान भाई को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। काश कि वो गोली जान भाई की जगह मुझे लग जाती और मैं उन्हें बचा लेता। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं उनका मुजरिम हूं। कितने खुश थे हम लोग, आज इस घर में कितनी खुशियां होती, सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा हमारे साथ। इसने सोचा था कि एक रात में जिंदगी बदल जाएगी, मेरा भाई हमें छोड़ के चला जाएगा।
खुद को संभालिए, संभालिए खुद को लाइबर। कैसे संभालूं ये बात, कैसे संभालूं खुद को, इतना बड़ा तूफान टूट पड़ा है हम पर। मुझे तो मुस्कान का सोच सोच कर दुख हो। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर आप इस तरह रोएंगी तो मुस्कान जी का ख्याल कौन रखेगा, बेसहारा कौन देगा? तो संभालिए, हौसला कीजिए, हिम्मत रखिए। नहीं हो रही है मुझसे हिम्मत, है बात क्या करूं मैं? जीने के लिए हिम्मत करना पड़ेगी। आपको पता है कल रात वो खुद आए थे, मुझे तैयार किया, उसे कहते हैं कि आज से तुम इस घर का हिस्सा, इस खानदान के एक फर्द हो। संभालिए, हिम्मत कीजिए, अपने लिए ना सही तो इस घर के लिए। आप अंदर जाइए, कुछ काम बाकी रह गए मैं खत्म करके आता हूं। तुम्हें नहीं जाने दे रही थी, तुम क्यों चले गए, क्यों गए तुम? तुम इससे नाराज हो गए हो, तुम्हें कैसे मनाऊं? प्लीज वापस आ जाओ, आ जाओ। देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम जानते हो ना ये बात। तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? अगर तुम वापस नहीं आओगे ना तो मैं रोऊंगी। तुमने कहा था तुम मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते, प्लीज वापस आ जाओ। रियान तुम जो कहोगे तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुमसे नाराज भी नहीं होऊंगी। वापस आ जाओ, मुस्कान खाना खा लो। कुछ नहीं खाना, मैं भूख ही नहीं है। आपको पता यान ने कहा था, यान ने कहा था कि हम साथ खाना खाएंगे। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ, आज पूरा दिन गुजर गया है मुस्कान, इसे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी ना। वो जाने दे, मर जाने दे मुझे, वैसे भी जीकर क्या करना है मुझे। ऐसे नहीं कहते हैं मुस्कान, जाने वालों के साथ जाया थोड़ी जाता है, ये तो अल्लाह के काम है, अल्लाह की चीज थी उसने ले ली।
ऐसे नहीं बोलते। कैसे समझाऊं खुद को, नहीं समझा पा रही। उमा आप जानती हैं, मेरा दिल कटता है कि सोच सोच करके रियान कभी वापस नहीं आएगा। वक्त के साथ साथ ना तुम्हें सबर आ जाएगा। चलो मेरे साथ चलो और खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, मैं नसीमा से कहती हूँ कि एक ग्लास दूध लेकर आए तुम्हारे लिए। हाँ रियान भाई हमें छोड़कर चले गए। क्यों, कहाँ गए वो? वो बहुत दूर चले गए जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। रियान भाई हमें छोड़कर दूर नहीं जा सकते, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं लाइबा, तुम देख लेना वो जरूर आएंगे। और पहले भी तो वो यूनिवर्सिटी जाते थे ना, हम उन्हें कॉल करते थे वो फौरन आ जाते थे भागते हुए हमारे पास। अब तुम्हें रियान भाई को बुलाना हो ना तो मुझे बताना, मैं बुला लूंगी भाई को। हम दोनों अकेले रह गए, अब पहले अम्मी अब्बू हमें छोड़कर चले गए, फिर अनस भाई भी चले गए और अब रियान भाई भी चले गए। अलिशा कैसी बातें कर रही हो लाइबा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अनस भी कहीं नहीं गए और रियान भाई भी आ ही जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। काश के ऐसा ही होता अलिशा। अच्छा तुम ना एक मिनट रुको जरा। ये देखो कितना प्यारा जोड़ा है, कल ना मैं ये पहनूंगी, कितना प्यारा लग रहा है ये रंग। तू कल ये क्यों पहनोगी? कल शादी है तुम्हारी, बस भी कर दो लाइबा रोना, तुम देखो ना कितना अच्छा जोड़ा निकाला है मैंने अपने लिए। लाइबा चुप कर जाओ, मेरी प्यारी बहन ऐसे नहीं रोते, देखो तुम्हें पहना कर देखो। ये देखो प्यारी लग रही हो तुम, आप प्यार से मुस्कुराओ, रोना बंद करो। दुल्हने रोती नहीं है, कल तुम्हारी शादी है, मजा आएगा लाइबा। ऐ मेरे रब, मेरे दिल को सुकून दे दे, बेशक सुकून देने वाली तेरी ही जात है। प्यार ने हमेशा मेरे साथ अच्छा ही किया, या अल्लाह उसे बख्श दे, उसे माफ फरमा, हम पर रहम फरमा, हमेशा उसके साथ रहे। या अल्लाह मुझे सब्र दे। आमीन।
मुझे पता है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है और हमेशा रहेगी। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह। आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं आ रहा हूं, तुम जाओ। मैंने क्या कर दिया, मगर मैं तो ये बात को मनवाना चाहता था, रियान को नहीं। मारा तो तुम्हारा भाई क्या, तुम अपने भाई के कातिल हो। तुम्हारी एक गलती ने तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया शाज़ेब। क्या बात है अब्बा जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ लेना? सोच रहा हूं कि रियान के जाने के बाद घर कितना सुना हो गया। ठीक कह रहे हैं आप, जब वो होता था तो घर में बड़ी रौनक होती थी। मेरा कितना ख्याल रखता था कि कब अस्पताल जाना है, कब नहीं, कब कौन सी दवा लेनी है। उसकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूं दादाजी। रियान की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तमाम जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करूंगा। और डालू? थैंक यू पापा जी, मुझे नहीं खाना। शाज़ीब, इसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, उसका चेकअप है। ठीक है पापा, आप जब कहें मैं ले जाऊंगा इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिश्बा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये रियान भाई कहाँ है? मैं उन्हें देख कर आती हूँ। रियान भाई, अलिश्बा, रियान भाई, रहने दे पप्पू जी, खुद ही समझ जाएगी। ये मुस्कान कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आई? मैं उसे बुला कर लाऊं। नहीं, मुस्कान अपने कमरे में है, खाना मैंने उसका वहीं भिजवा दिया है। क्यों पप्पू जी? इद्दत में है वो, यहाँ नहीं आ सकती। पप्पू, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि प्लीज उसे अकेले मत छोड़ें, उसे यहाँ पर अपने पास बुलाइए और कहें सबके साथ मिलकर खाना खाएं। शाज़ी, वो यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि वो इद्दत में है, ना महरम की वजह से। तुम खाना खाओ, वो खा रही है खाना। तो ठीक है, मसला तो सिर्फ मेरा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप उसे यहाँ पर बुलाएं। ऐसे कैसे हो सकता है रियान? नहीं, नहीं, तुम कह दो ये झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई रियान नहीं, ऐसा नहीं। यकीन तो किसी को नहीं आ रहा था तबस्सुम दीदी, छोटे साहब कल कितना खुश थे। माइयों के सारे इंतजाम उन्होंने खुद से देखे थे, किसी को क्या पता था छोटे साहब को आखिरी दफा देखेंगे। मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया, क्या हो गया ये? सभी हैरान सदा है, जो सुन रहा है वो यही कह रहा है कि जिंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं, पर जवान मौत को बुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुस्कान, तुमने मुस्कान को देखा?
वो कैसे भी ठीक ठीक तो है ना वो। मुस्कान बीवी की तो हालत मुझसे नहीं देखी जा रही थी, इतनी छोटी उम्र में ही बेवा हो गई बेचारी। सुना दिया मुझे, क्या सुना दिया मुस्कान और रिया, मेरे और मुश्किल में मेरे साथ खड़े थे। मैं कैसे इस गम की घड़ी में मुस्कान के साथ मैं कैसे दे सकती हूँ उसके साथ। आप तो वहां जा ही नहीं सकती, भाई जी ने अगर आपको देख लिया तो जीना मुश्किल कर देंगे आपका। भाई जी को तो यह भी नहीं पता कि आप मुस्कान बीवी के पुराने वाले घर में रह रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, क्या करूं क्या करूं मैं। तुम मेरे काम जी तो भाई जी आपने मुझे बुलाया, तुमसे मैंने कहा बैठने के लिए, उठो उठो। तुम्हारी औकात क्या है इस घर में, तुम्हें याद रहनी चाहिए, अपनी हैसियत को मत भूलो। औकात तो उसे याद दिलाई जाए भाई जी, जो अपनी औकात भूला हो। मैं जो हूं मैं उसको कभी नहीं भूलता, मुझे अपनी हैसियत और अपनी जगह बहुत अच्छे से याद है। तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहां पर नहीं बुलाया। अपना सामान समेट और निकल यहां से। इस घर में एक सेकंड के लिए तुम नहीं रुकोगे। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खोया है। रियान भाई की मौत का अफसोस मुझे भी है। काश के उस दिन वो गोली मुझे लग जाती और मैं रियान भाई को बचा लेता। वो गोली तो तुझे ही लगती थी, मगर गलती से मेरे भाई को लग गई, वरना तू आज यहां जिंदा खड़ा नहीं होता। भाई जी मैं जानता हूं कि आपका नुकसान बहुत गहरा है और इसका कभी अजाला नहीं हो सकता। मैंने तेरी ये बकवास सुनने के लिए तुझे नहीं बुलाया। अपना सामान बांध और दफा हो जाए यहां से। गेट आउट। कैफियान को मरवाने में तुम्हारा हाथ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी, मैं ऐसा क्यों करूंगा। रियान भाई ने हमेशा मुझे फैमिली से बढ़कर प्यार किया, वो तो आप सबके खिलाफ जाकर मेरी लायबा से शादी करवाने को भी तैयार थे।
के बाद जा रहे हो? अरे रियान भाई हमें छोड़कर चले गए, अब तुम भी जा रहे हो? मैं यहां नहीं रुक सकता लायला, तेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। शासित भाई को मना नहीं कर सकता था। मैं बात करती हूँ भाई जी से, वो तुम्हें यहाँ से जाने का कैसे कह सकते हैं? हमारे यहाँ रुकने का फैसला रेयान भाई का था। इसी बात का तो दुख है, रेयान भाई अब हमारे साथ नहीं रहे। तुम मेरे साथ चलो। हाँ। मैं दादाजी से बात करती हूँ। आप समझने की कोशिश करें लायबा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में बदमस्ती पैदा हो। आप लोग बहुत बड़े गम से गुजर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में मजीद परेशानियां बढ़े। तो क्या तुम वाकई चले जाओगे मुझे छोड़कर? इस घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। रेहान भाई से मैंने वादा किया था कि शादी के बाद मैं यहां से चला जाऊं तुम्हें अपने साथ लेके, ताकि अपने लिए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं शाहजेब भाई जी की सोच को नहीं बदल सकता, मगर अपना मुकाम बदल सकता हूं। मुलाजिम की इस स्टैंप खुद पर से हटाना चाहता हूं, ताकि अपने लिए और तुम्हारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकूं। हमारा निकाह अगर रियान भाई जिंदा होते तो आज इस हवेली में कितनी खुशियां हो। हौसला रखिए, खुद को संभालिए, अल्लाह के हर काम में क्या बेहतरी है सिर्फ वही जानता है, और इंसान का काम उसके हर हुक्म पर सर झुका देना है। मैं चलता हूं लायबा, अपना बहुत ख्याल रखना। छोटे साहब का सुन के बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ठीक कह रही हो, यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा है। उसके जाने से पूरा घर सन्नाटे में आ गया है। वो क्या गया है, अपने साथ साथ सारी खुशियां और इस घर की सारी रौनकें ले गया है। छोटे साहब बहुत अच्छे इंसान थे, हम लाजमों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते थे। जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी या एडवांस चाहिए होता था फ़ौरन से हमारी मदद करते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन। ये कौन है, इसने हिजाब क्यों किया हुआ है, यहाँ कोई मर्द थोड़ी है? इसकी आदत है, ये बहन है मेरी, गांव से आई है। क्या नाम है तुम्हारा? तुमसे पूछ रही हूँ क्या नाम है तुम्हारा, गूंगी हो क्या? जी जी गूंगी है बेचारी। अच्छा अच्छा, तो पहले बताना था ना, तुम्हारे मुंह में तो जबान है, कब से पूछ रही हूँ इसका क्या नाम है। बीबी जी मुस्कान बीबी कहाँ है, अब आई हूँ तो उनसे भी अफसोस कर लूँ। मुस्कान अपने कमरे में है, जाओ जाके मिला वहीं पे। हाँ राबिया मुस्कान से मिल लो तो फिर मेरे पास आ जाना, रियान के कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने, उसके कपड़े जाके गरीबों को दे देना। जी ठीक। चलो राबिया चलो, कोई और आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कौन? भाभी, भाभी। तबस्सुम बीबी, आप मुस्कान बीबी से मिलने हैं जब तक मैं आती हूँ। तुम्हारे दुख का मदावा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है मुस्कान। मुझे पता है मेरी तसल्ली तुम्हारे लिए बेमायनी है, क्योंकि तुम्हारे दिल का असर किसी भी मरहम से नहीं भर सकता। यार मुझे छोड़कर चला गया, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। भाभी, मोहब्बत ऐसी होती है क्या?